हेलो फ्रेंड्स, श्रद्धा किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं तवा पिज्जा। ये इस रेसिपी को बनाने के लिए ज़्यादा समय भी नहीं लगता और कम से कम समय में ये अच्छी रेसिपी बनकर रेडी हो जाती है। तो चलो आइए, इसे कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तवा पिज्जा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून ऑरिगेनो, 3 टीस्पून बटर, 1 टीस्पून मिक्स हर्ब, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून शेजवान सॉस, 2 टेबलस्पून टोमेटो सॉस, 1 चॉप्ड कैप्सिकम, 1/2 कप ग्रेटेड चीज, 1 चॉप्ड ओनियन, फ्राइड पनीर के पीसेस और 1 चॉप्ड टोमेटो। और मैंने यहाँ लिया है 4 व्हाइट ब्रेड स्लाइसेस, इनकी जगह आप ब्राउन ब्रेड भी यूज कर सकते हो। अब हम बनाएंगे इंस्टेंट पिज्जा सॉस। इसके लिए मैंने लिया है 1 टेबलस्पून शेजवान सॉस और यहाँ हम डालेंगे 2 टेबलस्पून टोमेटो सॉस और कुछ मिक्स हर्ब, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे। चिली फ्लेक्स कम डालेंगे क्योंकि शेजवान सॉस पहले से ही तीखा रहता है, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा इंस्टेंट पिज्जा सॉस बनकर रेडी हो गया है। अब हम पिज्जा के लिए फिलिंग बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिया है 1 चॉप ओनियन, 1 चॉप टोमेटो, 1 चॉप कैप्सिकम और यहाँ हम डालेंगे कुछ चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून मिक्स हर्ब, 1 टीस्पून ऑरिगेनो और मैंने कुछ पनीर के पीसेस फ्राई किए थे वो भी डालेंगे और नमक, ऑयल डालेंगे 1 टेबलस्पून और सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से ये हमारी फिलिंग बनकर रेडी हो गई। अब हमने जो व्हाइट ब्रेड स्लाइसेस लिए थे उन्हें हम प्लेट में निकाल कर रख देंगे ताकि इसके ऊपर फिलिंग अच्छे से स्प्रेड हो सके। अब हमने जो इंस्टेंट पिज्जा सॉस बनाया था उसे स्प्रेड करेंगे। इस तरह से चम्मच की हेल्प से सभी ब्रेड स्लाइसेस पर पिज्जा सॉस अच्छे से स्प्रेड करेंगे। इस तरह से ये हमारा पिज्जा सॉस स्प्रेड हो गया। अब हमने जो फिलिंग बनाई थी उसे भी इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से आप फिलिंग में आपके हिसाब से जो भी आपको वेजिटेबल्स पसंद है वो भी आप ले सकते हो। आप चाहो तो स्वीट कॉर्न भी ले सकते हो, कैबेज ले सकते हो। इस तरह से हमने फिलिंग को भी स्प्रेड कर दिया। कितना कलरफुल दिख रहा है हमारा पिज्जा। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ग्रेटेड चीज। चीज बिना पिज्जा तो अच्छा लगता ही नहीं, इसलिए हमने जो ग्रेटेड चीज रखा था उसे भी स्प्रेड करेंगे। यहाँ मैंने मोजरेला चीज का यूज किया है, आप कोई भी ब्रांड का चीज ले सकते हो। इस तरह से अच्छे से चारों स्लाइसेस पर हम चीज स्प्रेड करेंगे और इसके ऊपर टेस्ट आने के लिए ऑरिगैनो स्प्रिंकल करेंगे। इस तरह से हमारा पिज्जा बेक होने के लिए एकदम रेडी है फ्रेंड्स। अब हम इसे तवे पर बेक करेंगे, इसलिए हम तवे पर 1 टेबलस्पून लेंगे घी और इसे लगाएंगे। आप घी ले सकते हो, बटर ले सकते हो। और अब हमने जो पिज्जा बनाया था उसे रखेंगे और इसे 4 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। ध्यान रखिए हमें गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। 4 मिनट हो गए, अब हम इसका कवर हटाएंगे
आप देख सकते हो कितना चीज़ी दिख रहा है हमारा पिज्जा। हमारा पिज्जा एकदम बनकर रेडी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर सर्व करेंगे। कितना कलरफुल और चीज़ी दिख रहा है हमारा पिज्जा फ्रेंड्स। आप इस रेसिपी को घर में ट्राई करके जरूर देखिए और कमेंट करना ना भूले। फिर मिलते हैं एक ऐसे नई रेसिपी के साथ। तब तक देखते रहिए, खाते रहिए और खिलाते रहिए। टेक केयर एंड गुड बाय।